वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम कोरमा की ऐसी रेसिपी जो आज तक आपने किसी चैनल पे भी नहीं देखी होगी। तो बनाना शुरू करते हैं कोरमा। तो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। मैंने थोड़ा रिफाइंड ऑयल ज़्यादा डाला है क्योंकि मैंने प्याज को डीप फ्राई करना है। तो प्याज ले लिया है मैंने हाफ़ के जी प्याज को मैंने धो के बारीक बारीक काट लिया था और उसको कढ़ाई के अंदर मैंने डाल दिया है। और अब इसको जी हम डार्क गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो डार्क गोल्डन ब्राउन करने के लिए मुझे बीच बीच में चलाना पड़ेगा और साथ में रखेंगे आंच को मीडियम, आंच को फुल नहीं रखना है फ्रेंड्स। और जब जैसे ही हमारे डार्क गोल्डन ब्राउन होएंगे हम आंच को बिल्कुल सिम करेंगे और कुछ इस तरह से हम गोल्डन ब्राउन कर देते हैं। आपको एक बार दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है और मैंने इस तरह की ये छल्ली ले ली है। छल्ली के अंदर मैं सारे प्याज को निकाल दूँगी इसके अंदर और बचे हुए तेल का आगे हम इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। तेल मैंने ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि प्याज को मुझे इस तरह से ब्राउन करना है, बिल्कुल इस तरह से। तो इस तरह का प्याज ब्राउन सिर्फ ज़्यादा तेल से ही होगा। तो जी लीजिए, छल्ली के साथ बाकी सारे प्याज भी मैं निकाल देती हूँ बाहर। और अब हम करेंगे प्याज को बिल्कुल फैला लेंगे और इसको रख देंगे हवा के नीचे। और कितने अच्छे से प्याज फ्राई हो गया फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनने वाला है। तो इधर ले लिया है, एक बाउल ले लिया है मैंने, भगोना ले लिया है। भगोने के अंदर में 1/2 kg चिकन है, इसको मैंने धो लिया था अच्छे से, मैंने इसका पानी पूरा निकाल दिया था। और जी अब मैंने इसको अच्छे से बिछा दिया। तो जी अब इसके साथ डाला है मुझे 2 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद मैंने डाल दिया है 1 कटोरी दही डाल दिया है। और दही डालने के बाद इसके साथ ही मैं डालूँगी ये है रेड चिल्ली पाउडर, तीखी वाली है। और इसी के साथ मैं अब डाल दूँगी ये देगी मिर्च है, देगी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। और ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर मैं 1.5 चम्मच डालने वाली हूँ। और ये है हमारी पीली मिर्च होती है, पीली मिर्च का भी बहुत बढ़िया रोल है इसके अंदर। तो यहाँ पे आप दिखा देती हूँ ड्राई मसाले, ये ज़ीरा, गोल मिर्च, छोटी इलायची और तेज पत्ता है। और एक डाल दी है दालचीनी और एक बड़ी मोटी इलायची है, ये भी मैंने इसी के साथ डाल दिया है। और फ्रेंड्स मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी पूरा रिफाइंड ऑयल, जो मेरा कढ़ाई के अंदर प्याज फ्राई किया था ना वही वाला सारा तेल मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है फ्रेंड। इतना ईजी और इतना बढ़िया बनेगा फ्रेंड, आप बिलीव करो और आप बना के ज़रूर देखिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को तो लाइक करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। और फ्रेंड्स मेरे को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मन के करा दीजिए। और देखिए फ्रेंड चलते चलाते चलाते देखिए इसका धीरे धीरे कलर कितना अच्छा आना शुरू हो गया है। और अभी मैंने क्या करना है, इसके अंदर ये प्याज है ना जो, इसको हाथ से क्रश कर देंगे और बहुत ही इजीली क्रश हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया इसका रोल है फ्रेंड। दानेदार कोरमा होटल के जैसे घर में बनाइए। होटल में जाते हो तो फ्रेंड 2 पीस देता है हाफ में, क्या कोई टेस्ट आता है? नहीं फ्रेंड, आप घर में बनाइए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। देखिए 1/2 kg में कितना सारा पीसेस है और कितना बढ़िया बन रहा है। और देखिए फ्रेंड एक बार मैं इसको आप चलाती हूँ बढ़िया से। और अब इसके साथ ही मैं डाल दूँगी जो प्याज मैंने क्रश करके रखा था वो सारा प्याज मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब देखिए असली रंगत तो अब आने वाली है फ्रेंड्स। अब मैं इसको दूँगी एक बार फिर से चलाऊँगी और अच्छे से चलाऊँगी ताकि प्याज और ये सारा चिकन अच्छे से एक दूसरे के ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। और देखिए फ्रेंड जैसे जैसे मैंने प्याज डाला है इसकी ग्रेवी और थिक होती जा रही है और कलर का तो आप खुद ही देख लीजिए फ्रेंड्स कितना ही बढ़िया आ रहा है। तो ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ दानेदार कोरमा कैसे बनता है। कोई मेहनत लगी? कोई मेहनत नहीं है फ्रेंड, बनाइए खाइए और मुझे तो ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड देखिए इसमें डाल दिया है मैंने गरम मसाला डाल दिया, ये घर का बना हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल जायका मंथ पर जाइए और आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी फ्रेंड्स। और देखिए डालने के बाद फिर से मैंने चला दिया है और इसको हम जितना भूनेंगे इसका जायका और खिल के आएगा बाहर। तो जी अभी मैं इसको थोड़ा से ढक देती हूँ और ढकने के बाद देखिए फिर अब इसमें मैं आपको दिखाती हूँ चिकन भी गल गया है और प्याज मसाला सब कुछ अच्छे से भून गया है, तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। ये देखिए हल्का हल्का लगना शुरू हो गया है तो आपका कोरमा एकदम रेडी होता जा रहा है। तो जी अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/2 ग्लास पानी डालूँगी फ्रेंड, ज़्यादा नहीं डालना। और 1/2 ग्लास पानी डालने के बाद एक बार देते हैं अच्छे से चला, अच्छे से मिला दिया है मैंने। और जी अब इसको सिर्फ हम 5 मिनट के लिए फुल आंच के ऊपर
ढक के रखते हैं और देखिए 5 मिनट के बाद ही अब आपको दिखा देते हैं, पानी भी पक गया जो मैंने डाला था। और एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ, ये देखिए बन के रेडी हो गया है। तो अब कर देंगे आँच को बंद, और बंद करने के लिए अभी इससे पहले कि आपको दिखा देती हूँ, ये है केवड़ा। केवड़े की सिर्फ 2 ड्रॉप डालनी है, सिर्फ 2 ड्रॉप फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसकी जो खुशबू इतनी अच्छी आएगी फ्रेंड्स, होटल से भी बढ़ के। होटल में क्या आप खाते हो जो आप घर में बना लेते हो, तो केवड़ा डालने के बाद खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। आप भी बनाइए और ट्राई कीजिए और बताना मुझे। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने आपको थोड़ा सा पास से भी दिखा दिया है कि कितना अच्छा दानेदार कौरमा बन के रेडी हो गया। और इसका तेल जो है ना, यही इसका असली जायका है फ्रेंड्स, इसी के साथ अब बना के खाना। तो जी अब मैं इसको करूँगी प्लेट के अंदर शिफ्ट और आपको दिखाती हूँ प्लेट के अंदर डालने के बाद कितना ही बढ़िया लग रहा है। और जी ये देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। और प्लेट के अंदर डालने के बाद एक बार मैं आपको दिखाती हूँ रोटी के साथ। तो फ्रेंड्स आप किसके साथ खाओगे ये ज़रूर बताना, लेकिन मैं तो खमीरी रोटी के साथ खाऊंगी, जो कि मैंने पहले से ही बना के रख दी थी फ्रेंड। क्योंकि कोरमा बने और खमीरी रोटी ना हो ऐसा नहीं हो सकता फ्रेंड। अगर हम बाहर का मज़ा लेना चाह रहे हैं तो रोटी भी उसी तरह से बनाएंगे। तो जी ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ही मैंने डाल दिया है प्लेट के अंदर। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए खमीरी रोटी मैंने घर में ही बनाई है और इसकी रेसिपी भी मैं आपको बता दूँगी, बहुत ही बढ़िया बनती है फ्रेंड और बहुत ही मज़ा आ रहा है। फ़िलहाल मुझे तो लग रही है भूख, मैं तो जा रही हूँ खाने, और आप भी बनाइए और खाइए और मुझे ज़रूर बताइए। लीजिए फ्रेंड, पहले मैं आपके लिए एक बार आपको दिखाती हूँ फ्रेंड। बहुत गर्म है, मेरे से हाथ भी नहीं डाला जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मज़ा ही आ गया है, वाओ वाओ फ्रेंड, ये देखिए। तो जी मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखिए, आप सिनेमैटिक शॉट देखिए। और फ्रेंड मैं आपके लिए कल एक और वीडियो लेके आती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।